नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। मेरा नाम है रोशन भूमियार। दोस्तों, पहले टेस्ट के बाद टीम इंडिया के पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। विराट कोहली के भारत लौट जाने से और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के चोटिल हो जाने के चलते टीम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 26 दिसंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे के शुरुआती टेस्ट में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। सीरीज का दूसरा टेस्ट मेलबर्न में खेला जाएगा। भारतीय टीम प्रबंधन अपने बल्लेबाजों को लेकर चिंतित है और वह सीरीज में वापसी के लिए अपने विकल्पों को आजमाने की ओर देख रहा है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कप्तान अजिंक्य रहाणे के अलावा मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव को चुना जाना तय है। अंतिम एकादश के लिए बाकी 5 खिलाड़ियों को लेकर टीम प्रबंधन बड़े फैसले ले सकता है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कप्तान अजिंक्य रहाणे के अलावा मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव तो तय ही हैं। अंतिम एकादश के लिए बाकी 5 खिलाड़ियों को लेकर सोचना है। शुभमन ने मयंक अग्रवाल के साथ अभ्यास किया, जिसे संकेत मिला है कि दोनों दूसरे टेस्ट में पारी का आगाज कर सकते हैं। गुलाबी गेंद से खेले गए अभ्यास मैच में 43 और 65 रन बनाने के बावजूद गिल को पहले मैच में मौका नहीं मिला था। स्पष्ट है, पंजाब के लिए रणजी टीम में पारी की शुरुआत करने वाले गिल को खराब फॉर्म से जूझना पड़ा। पृथ्वी शॉ को तरजीह दी जा सकती है। रिद्धिमान साहा अपने बल्लेबाजी से टीम प्रबंधन का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में ऋषभ पंत पर नजरें टिकी है। पंत ने पिछली ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर शतक जमाया था। उन्होंने सिडनी टेस्ट में नाबाद 159 रन की पारी खेली थी। मौजूदा दौरे में अभ्यास मैच में 73 गेंदों पर 103 रन बनाने वाले पंत को दूसरे टेस्ट में साहा की जगह उतारा जा सकता है। प्लेइंग 11 के लिए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज दो अन्य दावेदार हैं। कप्तान विराट कोहली और सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में दो बदलाव करने पड़ेंगे। कोहली पैटर्निटी लीव पर जा चुके हैं, जबकि शमी की कलाई में फ्रैक्चर है और बताया गया है कि वह 6 हफ्ते तक बाहर रहेंगे। मोहम्मद सिराज और नवदीप सैनी ने शार्दुल ठाकुर के साथ रहाणे को गेंदबाजी की। माना जा रहा है कि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में 100% फिट हो जाएंगे। वह मेलबर्न टेस्ट की प्लेइंग 11 में हनुमा विहारी की जगह ले सकते हैं। सिर में चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहे हरफन मौला जडेजा को नेट्स में उतरते देखा गया है। उन्होंने 1 घंटा अभ्यास भी किया और सौराष्ट्र के अपने साथी चेतेश्वर पुजारा को गेंदबाजी भी की। इसके बाद वह फिर दूसरे सत्र में लौटे। विहारी के बाहर होने के कारण हालांकि एडिलेड में पहले टेस्ट में उनका खराब प्रदर्शन नहीं, बल्कि अजिंक्य रहाणे और रवि शास्त्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ टीम उतारना ही सही होगा। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तमाम आईपीएल और खेल की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स।